जय श्री राम। मेरा नाम अकील अहमद है, हमें बीजेपी का हूँ। क्या नाम? एक मिनट, क्या नाम है आपका? अकील अहमद। और आपने इससे पहले क्या कहा? जय श्री राम। क्या नाम है आपका? अकील अहमद। इससे पहले आपने क्या कहा? जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए बढ़िया, चलिए। डरता नहीं हूँ। किसी से नहीं डरते? क्यों? अरे फतवा जारी हो जाएगा। अरे फतवा का तो फतवा का झटका फतवा। अरे लोग तो देख रहे हैं कि लहसुन प्याज और आलू का दाम देख रहे हैं। पहले की सैलरी कम थी, ठीक है, तब भी महंगाई वही थी। आज 80,000 90,000 लाखों लोग कमा रहे हैं, तो क्या महंगाई कहाँ जाएगी बता दीजिए। हेपेटाइटिस भी आया था, बच्चे इतने मर रहे थे, तब तो नहीं अखिलेश की सरकार का बोला खोल रही थी कि इतने बच्चे क्यों मर रहे हैं, ठीक है। आज वैक्सीन पे मुद्दा उठा रहे हैं, क्यों उठा रहे हैं? उस समय उनको नहीं मुद्दा उठाना चाहिए कि इतने बच्चे हॉस्पिटल में मर रहे हैं, आज हमारी हॉस्पिटल अच्छा है, हेपेटाइटिस भी खत्म हो गया। 70 साल में आपका कोई सोना कांग्रेस ने लिया? नहीं, कांग्रेस ने लिया नहीं, सोना की बात नहीं है, लेकिन लिया कि नहीं लिया प्रधानमंत्री के? लेकिन सबसे पहली बात एक मिनट सुनिए, प्रधानमंत्री के बाद से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं? किसी हिंदुस्तान में जब सैनिक मरता था तो लोग पूछते नहीं थे, पाकिस्तानी आतंकवादी उठा ले जाते थे सैनिकों को, मरे हुए बॉडी को। इसलिए प्रधानमंत्री ने किस उस पे कहा, उस पे आपको ध्यान देना चाहिए। वो लोग तो कहते हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस बिक गई, भारत की मीडिया बिक गई, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि योगी मोदी जी ने किस परिपेक्ष में कहा था। जैसे सोचले रहली वैसे मोदी मोर बाड़े, योगी जी बेजोड़ बाड़े हो। सरकार की जब बात आती है तो जो भाजपा के समर्थक नहीं है या भाजपा को नहीं वोट देने वाले लोग हैं, उनकी विचारधारा ये है कि जब अब सिर्फ 400 पार की जो बात हो रही है वो सीट की नहीं हो रही है, ये इट इज नॉट अबाउट सीट, ये महंगाई की बात हो रही है कि इस बार डीजल पेट्रोल 400 पार हो जाएगा, लहसुन 400 पार क्या है? सुनिए, लोग तो देख रहे हैं कि लहसुन प्याज और आलू का दाम देख रहे हैं। पहले की सैलरी कम थी, ठीक है, तब भी महंगाई वही थी। आज 80,000 90,000 लाखों लोग कमा रहे हैं, तो क्या महंगाई कहाँ जाएगी बता दीजिए। आलू प्याज क्या रेट है? 25-20 बिक रहा ना। और कोई बोलना चाहे? नहीं 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 सुनिए, और भी लोग से बुलवा ले, एक मिनट दो मिनट। क्या नाम मैम आपका? उषा चौहान। तो ये बताइए कि क्या मुद्दा है, जब लोगों के पास जा रही है तो क्या लोग बतिया रहे हैं? महिलाएं कह रही हैं कि अब की रोट मोदी जी को दिया जाएगा, मोदी जी को दिया जाएगा। क्योंकि मोदी जी सुरक्षित तो हम लोग मतलब रखे हैं। मोदी जी 1, 2, 3, 4 545 सीट पे लड़ रहे हैं, जीतेंगे मोदी जी 545 सीट पे लड़ रहे हैं। तो लड़ेंगे, जीतेंगे ही बिल्कुल। मोदी जी 545 देश के 545 सीट पे मोदी जी लड़ रहे हैं जी, तो क्या लड़ेंगे ही? जिनका बात किए हैं, अरे हेपेटाइटिस बी आया था, बच्चे इतने मर रहे थे, तब तो नहीं अखिलेश की सरकार का बोला खोज रही थी कि इतने बच्चे क्यों मर रहे हैं, ठीक है। आज वैक्सीन पे वो मुद्दा उठा रहे हैं, क्यों उठा रहे हैं? उस समय उनको नहीं मुद्दा उठाना चाहिए कि इतने बच्चे हॉस्पिटल में मर रहे हैं, आज हमारी हॉस्पिटल अच्छा है, हेपेटाइटिस भी खत्म हो गया है, बच्चे सुरक्षित हैं, ठीक है। और क्या चाहिए? सबने लगवाया। गलती विपक्ष की है, सारी गलती है, सारी गलती विपक्ष की। क्या नाम है आपका? आपका नाम? बाबूलाल पासी। मेरा नाम है बाबूलाल पासी जी। तो बसपा वाले होंगे आप? नहीं, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी आप जन्मजात है, जब से मेरा उम्र 18 साल का हुआ तब से लेकर आज तक मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। नाराज नहीं हुई? मायावती कोई मतलब नहीं है, बसपा नाराज नहीं हुई? बस उनसे तो मेरा खुदे वो लगता है कि वो खुदा ऐसे लोगों से जाके हाथ मिला दे। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाला नारा 2007 में दे के आ गई सत्ता में, महाराज आप कह रही हैं? मैं वही कह रहा हूँ ना, उसी जिन्होंने उनको बेइज्जत किया, जिनको अपमानित किया, उन्हीं से जा करके वो हाथ मिला ली। वो पूरे पूरे अनुसूचित जात के लोगों को अपमानित कर दिया। वो आप लड़ी होती, अकेले लड़ी होती, उसी दल से हम भी लड़ते, लेकिन उससे जाकर गले मिल गए जिन्होंने भरी सभा में उनको अपमानित किया। तो मायावती को लेकर क्या सोचते हैं? मैं कुछ नहीं, विश्व लुढ़ती हुई नेता है, वो हाथी बौरा गई है, कोई मतलब नहीं है। हाथी बौरा गई है? हाँ, वो कोई मतलब नहीं, केवल कमल खिलेगा, बस सिर्फ कमल। अब हाथी कमल ही उठाएगी, अब हाथी के बदौलत जान लीजिए कमल खिलेगा। हाथी बदौलत कमल? हाँ, हाथी के बदौलत कमल खिलेगा। ये कह रहा हाथी बदौलत कमल खिलेगा, यानी ये कमल अपने बदौलत खिलेगा, क्योंकि कमल इतना काम कर दिया हर जगह, जहाँ देखिए हमेशा किया। अच्छा, कमल अच्छा, इतना काम अगर मोदी जी ने किया है तो अभी 24 तारीख का एक भाषण उनका बड़ा वायरल हुआ और ये देश के तमाम मीडिया चैनलों पे चला और ये बड़ा मुद्दा बना। उन्होंने कहा कि
अगर कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो बहन बेटियों के मंगलसूत्र बिक जाएंगे। हम आपसे एक सिंपल सवाल करना चाहते हैं, 70 साल में आपका कोई सोना कांग्रेस ने लिया? नहीं, कांग्रेस ने लिया नहीं, सोना की बात नहीं है, लेकिन लिया कि नहीं लिया प्रधानमंत्री के बाद लिया। नहीं, सबसे पहली बात नहीं, एक मिनट सुनिए, प्रधानमंत्री के बाद से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं? नहीं, प्रधानमंत्री के बाद से इत्तेफाक रखते में चलते थे तो मोदी जी के बाद से इत्तेफाक रखती है? चांद छिना जाता था। नहीं, एक मिनट, सबके पास है, मोदी जी के बाद सुनेंगी, एक मिनट, मोदी जी के बाद से इत्तेफाक रखती है हाँ या ना? रखती है ना? हाँ। मोदी जी के बाद से इत्तेफाक रखती है? रखते हैं, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि नहीं, आपने जो कहा कि मैं रखती है ना, मैं ये कह रही हूँ पूरे विश्वास के साथ रखते हैं। हाँ, आप रखते हैं कि नहीं मोदी जी के बाद से? हाँ, बात विश्वास तो रखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री है तो उनकी बात का स्वागत है, लेकिन मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए मेरी पूरी बात, उसके बाद हम सबसे ले रहे हैं, एक एक करके, एक मिनट सुन लीजिए, इसी हिंदुस्तान में जब सैनिक मरता था तो लोग पूछते नहीं थे, पाकिस्तानी आतंकवादी उठा ले जाते थे सैनिकों को, मरे हुए बॉडी को, इसलिए प्रधानमंत्री ने किस उस पे कहा, उस पे आपको ध्यान देना चाहिए। वो लोग तो कहते हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस बिक गई, भारत की मीडिया बिक गई, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि योगी मोदी जी ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा था। भाई साहब, हम कह रहे हैं 70 साल में कांग्रेस ने जिस बहन बेटी का सुहाग उजड़ा होगा उससे पूछिए उसका मंगलसूत्र उजड़ा कि नहीं उजड़ा, बिका कि नहीं बिका, इसलिए परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा होगा, इस परिप्रेक्ष्य में नहीं कहा होगा कि मंगलसूत्र आपने बेच दिया। बेचने की बात यही है कि आपका सुहाग उजड़ गया, आपका परिवार उजड़ गया, तो आपका मंगलसूत्र बिक गया, इस बात पे कहा था। मैं गाना बनाई हूँ अपने मोदी जी के लिए, सुना दीजिए, गाना तो जरूर सुनेंगे। जैसे सोच ले रहली वैसे मोदी मोर बाड़े, योगी जी बेजोड़ बाड़े हो, अरे जैसे सोच ले रहली वैसे मोदी मोर बाड़े, योगी जी बेजोड़ बाड़े हो। मैं अब पूरी जनता, पूरी दुनिया योगी और मोदी के लिए हम लोग जान देने के लिए तैयार है, एक एक घर से एक एक वोट निकलवा करके कमल खिलाएंगे और मोदी जी को जान कह देंगे, जान कह देंगी, 400 पार करके दिखाया जाएगा। हाँ, अरे मोदी जी नहीं रहेंगे, कोई और प्रधानमंत्री, जान कह दे देंगी आप? नहीं दिया जाएगा, रहेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ही। अरे एक जगह यही मोदीपुर में कर रहे थे डिबेट, उन्होंने कहा कि अब मोदी जी एक्सपायर हो जाएंगे, अब आएंगे योगी जी, तो योगी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं कि नहीं? एक्सपायर की बात छोड़ दीजिए, वो कहे ना जो वहाँ लिखा होगा वही होगा। ये बताइए कि मोदी जी के बाद योगी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? वो तो हाँ, वो भी हम लोग देखना चाहते हैं, योगी जी, मोदी जी के बाद योगी जी को देखिए, एकदम देखना चाहते हैं, एकदम देखना चाहते हैं। जय श्री राम, मेरा नाम अकील अहमद है और मैं बीजेपी का हूँ। क्या नाम? एक मिनट, क्या नाम है आपका? अकील अहमद। और आपने इससे पहले क्या कहा? जय श्री राम। क्या नाम है आपका? अकील अहमद। इससे पहले आपने क्या कहा? जय श्री राम। क्या नाम है आपका? अकील अहमद। और इससे पहले आपने क्या कहा? जय श्री राम। हाँ बताइए, 3 साल और मोदी जी के बारे में, मोदी जी के बाद 3 साल के बाद उनका प्रधानमंत्री का जो खत्म हो जाएगा, लेकिन अब जो भी प्रधानमंत्री बनेगा तो योगी जी बनेंगे। योगी जी और कोई नहीं। नाम क्या बताया अपना? अकील अहमद। अकील अहमद, अकील, एक मिनट, अकील, अकील अहमद जी हैं और ये गोरखपुर के ही हैं? जी जी नहीं, देवरिया जिला। अच्छा, अकील अहमद जी हैं, देवरिया से हैं और ये चाहते हैं कि मोदी जी के बाद योगी जी प्रधानमंत्री बने। क्यों चाहते हैं महाराज? वो तो सब कह रहे हैं कि जो है मुसलमानों का विरोध में रहती है। कोई विरोध नहीं करता, कोई नहीं करता है। मैं अंदर देख लिया हूँ, बस कहना ये भी है, प्रधानमंत्री अभी जल्दी बोले कि जब नहीं, मनमोहन सिंह ने एक बार कहा था कि भारतीय, एक मिनट सुनिए, मैं आपसे एक बात बता रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। 60 साल तक कांग्रेस था, 60-70 साल, अब 120 साल तक बीजेपी रहेगा। 120 साल तक दुगना रहेगा। एक बार और नाम बता दीजिए। अकील अहमद। अब कहिए कि मैं एक मुसलमान हूँ और तो मुसलमान तो फिर भी बोलता आया मुस्लिम। अरे कई लोग जो कहते हैं कि राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए बढ़िया, चलिए, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, किसी से नहीं डरते हैं। क्यों? अरे फतवा जारी हो जाएगा। अरे फतवा का तो फतवा का झटका पड़ेगा, फतवा, अरे आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग ना करें। नहीं तो फतवा क्या, गोली मार देगा हमको। सुनो, जब से योगी का शासन आया, चोरी चकारी गुंडे खत्म हो गया, और क्या चाहिए भैया? योगी जी के शासन में सब कुछ खत्म, चोरी चकारी खत्म हो गया, अब क्या चाहिए भैया, अब क्या चाहिए? चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा,
हम लोग महिलाएं आज इतना सुरक्षित अपने को महसूस करते हैं, जो कि हम लोग सपा बसपा के राज में डरते थे। आज हम लोग 12 बजे 1 बजे 2 बजे रात को स्टेशन से सीधे घर चले जाते हैं, 1 बजे चल जाती हैं। हम लोग देखिए कन्वेंशन में निकलेंगे 12 1 कब बजता है, खाना मिलता है कि नहीं इसका कोई ठिकाना नहीं है। रही बात जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2014 तमाम लोग तमाम महिलाओं से आप मिल रही होंगी, कोई नहीं कहता कि गैस सिलेंडर महंगा हो गया, कोई नहीं कहता। सुनिए सच बताइए, दिल पे आता है? नहीं नहीं सुनिए, मैं सही बोलूंगी, इसमें कोई बात नहीं, चुनाव का माहौल चल रहा है, इसमें गलत बोलने से कोई बात मतलब है नहीं। इसके पहले जब सिलेंडर सस्ते थे, जैसे 500 थे, 800 थे, 700 थे, तो जब गैस खत्म होता था तो जब जाइए गैस एजेंसी पर तो कम से कम 4000 लोग सिलेंडर पर बैठे रहते थे 5 बजे भोर से। वो इंतजार सही है कि सिलेंडर एक फोन करो बुकिंग हो गया, घर आ गया 100 रुपया। क्या कितना सिलेंडर है? मेरे यहाँ 4 है। 4 सिलेंडर है। अच्छा एक बात बताइए, जब एक सिलेंडर भरवा चलता है तो दूसरा सिलेंडर भरवा के रखा रहता है, और ये इंतजाम कई दिनों से है तो है कि नहीं है? इस बात को मानेंगे कि नहीं? वो है, मुस्कुराहट बता रही है कि इस बात को आप मान रही है। नहीं नहीं मान नहीं रहे हैं। देखिए सिलेंडर तो आजकल तो सब लोग सिलेंडर दो से अधिक ही रखे हैं, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि 1100 पहुंच जा रहे, 200 लाइन लगा लेंगे, 800 आज के डेट में। जल्दी हुआ है, अभी जल्दी हमको लग रहा है। तो ये बताइए समय से खाना घर में, अगर मान लीजिए पुरुष गए हैं काम पे, महिलाएं अकेले घर में, बहुत सिटियों में ऐसा होता है, देहात में मजबूरी है, तो क्या है मोबाइल सबके पास है, मोबाइल का जमाना है, सब गैस बुक करते हैं समय से, आज गैस करिए और तुरंत होम डिलीवरी आ जाती है। तो ये बताइए 100 रुपया महंगा से जरूरी कि सस्ता? कांग्रेस कह रही है अपने मैनिफेस्टो में, सुने सुने, कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में कहा, सुन लीजिए एक मिनट सुनिए कांग्रेस ने क्या कहा वो सुन लीजिए। कांग्रेस ने कहा कि गरीब 1 लाख रुपया सालाना दिया जाएगा। मोदी जी कितना दे रहे हैं? कहां से देंगे वो कहने को? तो कह रहे हैं मोदी जी कितना, मैनिफेस्टो पे चुनाव, मोदी जी ने जितना गरीबों का सहायता की है ना, कर रहे हैं उतना कोई नहीं करता है। आप जो आप उनका कहे मंगलसूत्र का, मंगलसूत्र बिकने का बात नहीं था, जो छिनौती होती थी आप चलते रहिए छीन ले रहा था कांग्रेस सरकार में। नहीं नहीं हाँ उनके कांग्रेस सरकार बिल्कुल भगवान बाटे मोदी जी। तो कहाँ रहे लू गाँव बता दो, गाँव कहाँ बा? हमार गांव नरकटियागंज बा। नरकटियागंज तब वो मोदी जी भगवान है? यहाँ कहाँ भटका था? डिटू यही जाइल बड़ी। तो वो सब मोदी मोदी योगी योगी करता? हाँ का है वहाँ का बहुत कोयले बनी का कहले मोदी जी वहाँ का कोई नहीं, जो पैसा घर घर लोग का चौपावत था नी, घर घर पैसा। हाँ सांसद लोग चौपावत था कि योजना सावत था, एक मिनट समूह बनता आवास नहीं का मिलो, आवास ना राशन मिलता, राशन मिलता, सुनी राशन मिलता, लड़कन का पढ़ाई का पैसा मिलता, पढ़ाई मिलता, अथी मिलता है पैसा बात उन लोग से सुन 2000 वाला ना आई समूह वाला पैसा मिलता, समूह वाला तो लोन वाला हो गई, तो देवे के पड़ी, देवे के पड़ता तो मिलता नू, वे लोन पहले उतारे के रहला तो 9 दिया तेल जरत रहला, आ 12000 उतारल जाई तो 8000 मिली। अच्छा आयो बाद सुध पर रुपया काढ़तन या 20 रुपया 25 रुपया पर आ बारा घर पहुंचावत रे, छोट छोट के भरल जाता है, छोट छोट के भरल जाता। कहाँ से तू सहेली हो? सहेली हो तो ये बतावा मोदी जी आई है फिर योगी जी कब आई है? वो ही है सब जन योगी मोदी भगवान 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 पैसा वैसा देते हैं पैसा खाता होता वहाँ बता ना हमरा खाता में भी पैसा नहीं खे आई ना एक पैसा नहीं खे आई बाकी ना भोजन पत्र राशन पताई मिला राशन मिला था हाँ राशन पे वोट जाई हाँ राशन पे वोट जाई जाई राशन पे पुरका एक मिसाल रबी किसान रबी किसान ये तो बहुत नया नारा आपने। मैं ये कह रही हूँ राशन पे वोट नहीं जाएगा, सिर्फ विकास के मुद्दों पे इस बार वोट पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है जो आवास देते हुए, इज्जत घर देते हुए, गैस सिलेंडर देते हुए, सुकन्या धन योजना देते हुए, किसान निधि देते हुए, उसने कभी जात पात नहीं देखा, चाहे वो इस्लाम धर्म हो चाहे किसी भी। धूप में भी निकल रही है आप बिल्कुल कड़ाके की धूप बहुत
सब लोग निकल रही हैं, सब लोग निकल रहे हैं, सब लोग फिर जा रहे हैं, जुड़ रही हैं, बहुत जुड़ रही है, महिलाएं कह रही है करे हम के भाजपा दिखल जाए, कोई महिला ऐसा नहीं कह रही है हम लोग नहीं देंगे। क्या हुआ सूत्र की जो बात आप कह रहे थे माता जी बता रही है, क्या कह रही है, क्या कह रही है? पहले हम निका ना मिलत रहा तो सूदी पर रुपया लिखल जाय आ खेत बेच कर दिखल जाय आयो बाप 2 लाख 4 लाख उतार लिया जाता तनी तनी को के भरल जाता। बहुत बढ़िया। चलिए तो ये तमाम लोग हमारे साथ मौजूद थे जो भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत पक्ष रखने की कोशिश किए, वैसे इनकी बातों से क्या ये इत्तेफाक रखते हैं या नहीं वो जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि क्या जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और बीजेपी का एक नारा बड़ा वायरल हो रहा है और उस नारे के सहारे 2024 का रण फतह करने की लोग कोशिश कर रहे हैं 400 पार, क्या ये 400 पार का जो नारा है वो एक्चुअली इस बार साबित हो पाएगा ये चीज या नहीं, इस बारे पे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहे गोरखपुर पोस्ट के साथ, मैं आपके साथ विक्की सिंह। गोरखपुर पोस्ट की चुनावी यात्रा लगातार जारी है।